मेवातियों का सपना है कि मेवात में रेल की सीटी बजे बता दें मेवात वादों की पटरी पर तोड़ रही है रेल। 1980 से विभिन्न संगठनों के लोग करते आ रहे हैं रेल लाइन की मांग कई बार किया गया आंदोलन नेताओं ने किए कई वायदे पर लोग सुविधाओं से वंचित वहीं आपको बता दें कि चुनावों के समय राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार रेलवे लाइन से मेवात को जोड़ने का आश्वासन तो देते हैं लेकिन चुनाव के बाद संसद में पहुंचने वाले नेता इस मुद्दे को भूल जाते हैं मेवात के लोग कई दशक इस पुराने मुद्दे के अंजाम तक नहीं पहुंच पाने से आहत हैं। भाजपा के 10 साल के शासनकाल में मेवात क्षेत्र में रेल की सीटी नहीं बची 1980 से मेवात को रेल से जोड़ने की मांग की जा रही है इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्र भी प्रमुख मुद्दे हैं मेवात को रेल से जोड़ने की मांग लंबे समय से की जा रही है आबादी के छिहत्तर साल बाद भी यह मेवात क्षेत्र रेलवे लाइन से नहीं जुड़ पाया है विभिन्न संगठनों के लोग 1980 से रेल लाइन की मांग करते आ रहे हैं इसके लिए मेवात के सामाजिक संगठनों ने कई बार आंदोलन भी किया चुनावों के समय राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार रेलवे लाइन से जोड़ने का आश्वासन तो देते हैं लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद संसद में पहुंचने वाले नेता इस मुद्दे को भूल जाते हैं बार बार लोगों को सांसद बनाकर संसद भेजने वाले इस क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा होती रही है लोगों का कहना है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों के नेता रेलवे लाइन को लेकर वादे तो करते हैं लेकिन बाद में उन वादों पर खरा नहीं उतरते हालांकि मेवात इलाके को रेल लाइन से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली सोहना होते हुए अलवर तक 104 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बिछाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी हुई है वहीं इस मामले पर मामन खान इंजीनियर का कहना है कि यह रेल ये क्षेत्र रेल शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ा है युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा वर्तमान सांसद ने क्षेत्र का कई बार नेतृत्व किया पर मेवात को खास नहीं दे पाए वहीं नूह से कांग्रेस विधायक का आफताब अहमद का कहना है कि कांग्रेस शासन में रेलवे को लेकर कदम बढ़ाया गया था और राज्य सरकार पचास फीसदी खर्च वहन करने को तैयार थी लेकिन भाजपा राज आने पर 10 साल से मामला अटका है वही केंद्रीय मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि मेवात में रेल के लिए रेलवे की ओर से खाता खोला गया है इसके एक करोड़ डाले गए हैं बजट में प्रावधान के बाद योजना आने वाले समय में चढ़ पाएगी मेवात के समाज सेवी और इतिहासकार लेखक सदीक अहमद मेव का कहना है कि किसी भी क्षेत्र की उन्नति और प्रगति के लिए परिवहन रेल व्यवस्था बहुत जरूरी है लेकिन मेवात क्षेत्र इससे कटा है अंग्रेजों के शासन काल में भी सर्वे कराया गया था आजादी के बाद से जोर पकड़ा लेकिन कार्य अधूरा है आप देखें रहे हैं नुकमेवास से लियाकत अली रिपोर्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोचना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें